नमस्कार, श्राबनीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी जीरा राइस, और ये बहुत आसानी से 10 मिनट में प्रेशर कुकर में बन जाता है। इस जीरा राइस को आप चिकन, दाल, पनीर किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए एक ग्लास चावल लिए हैं। ये लंबे दाने वाले बासमती राइस है। आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं, लेकिन बासमती राइस का अपना एक फ्लेवर होता है। इस तरह का लंबा दाने वाला बासमती राइस से जीरा राइस बहुत अच्छा बनता है। चावल को 2-3 बार अच्छे से क्लीन करके धो लेंगे। चावल को धो के इसके अंदर पानी डाल के इसे सोक करके रखेंगे पानी के अंदर 10 से 15 मिनट तक। जिस ग्लास से चावल को नापे थे उसी ग्लास से 1.5 ग्लास पानी कुकर के अंदर डाल देंगे। आप अगर 1 कप चावल यूज करेंगे तो 1.5 कप पानी डालना होगा। अभी 1 बड़े चम्मच नमक को डाल देंगे। आप आपका टेस्ट का हिसाब से नमक को डालें। चावल का एक्स्ट्रा पानी को निकाल के इसे कुकर के अंदर डाल देंगे। गैस को ऑन कर लेते हैं। कुकर का ढक्कन लगा के इसे हाई फ्लेम में 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी होने के बाद गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद कुकर को खोल के देख लेते हैं। कुकर का नीचे पानी बिल्कुल ही नहीं है और चावल भी अच्छे से बॉयल हो गया है कि नहीं चेक कर लेते हैं। चावल अच्छे से बॉयल हो गया है। अभी इसके अंदर पानी डाल देते हैं और 2 बड़े चम्मच नींबू का रस मिला देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी छन्नी करके एक्स्ट्रा पानी को निकाल देते हैं। ऐसे करने से चावल एकदम खिले खिले होता है, स्टिकी बिल्कुल ही नहीं होता है। गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम में एक पैन को गर्म करेंगे और 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल को डाल देते हैं। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद 1.5 बड़े चम्मच जीरा को डाल देते हैं। जीरा को 2-3 सेकंड तक चलाएंगे। अभी छन्नी किया हुआ चावल को डाल देते हैं। बहुत ही धीरे धीरे चावल के अंदर जीरा को मिक्स कर लेते हैं। अभी 2 बड़े चम्मच बटर को मिला देते हैं। चावल को बॉईल करने टाइम में नमक को डाले थे, अभी एक्स्ट्रा करके नमक को नहीं डालेंगे। चावल को बहुत ही धीरे धीरे 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अभी इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। रेडी हो गया है जीरा राइस। तो आप भी ट्राई कीजिए इस सिंपल जीरा राइस को, जो कुकर में बहुत इजीली बन जाता है। और कैसा हुआ है आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट के थ्रू। अभी थोड़ा पुदीना पत्ता से गार्निशिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए श्राबनीस किचन को, और अच्छे अच्छे हेल्दी, टेस्टी और यूनिक रेसिपी पाने के लिए। सब्सक्राइब करने से हमारा सारे रेसिपी आप तक इजीली पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी।